शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ माघ मास महात्म की कथा का छठा अध्याय। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री हरि और भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बंधुओं, क्योंकि कहा जाता है कि माघ मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही आराधना करनी चाहिए। बंधुओं, वैसे तो भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही हैं। बंधुओं, पर भगवान शिव पर माघ मास में जल जरूर चढ़ाएं और हो सके तो बिल्व पत्र भी जरूर चढ़ाएं। और भगवान विष्णु को माघ मास में रोजाना तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। बंधुओं, माघ मास में रोजाना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दान जरूर करें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो श्री हरि की जय हो, बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। बंधुओं, अब सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, ओम श्री गणेशाय नमः। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने आरंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष, सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता, गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु जी की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वे अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि तथा पशु हिंसक जीवों को मार कर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मार कर खा गया और दूसरा वन को गया तो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर
यम के पास लाए और कहने लगे, महाराज इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। बंधुओं, आज मैं आपको बताऊंगी कि माघ व्रत उद्यापन विधि क्या है। बंधुओं, माघ मास में पूर्णिमा को प्रातःकाल गंगा यमुना सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करें। ब्राह्मण को बुलाकर गौरी गणेश और नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और कथा श्रवण करें। इसके बाद एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल चावल जौ गुग्गल और घी का हवन करें। इसके बाद ब्राह्मणों का वरण करें। बाद में सर्वतोभद्र चक्र बनाकर ब्रह्म आदि देवताओं का पूजन करके वहां कलश के ऊपर स्वर्ण की लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इदम विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडश उपचार पूजन करें और पलंग के साथ पांच वस्त्रों और ब्राह्मण को लोटा धोती अंगोछा छाता खड़ाऊं आसन माला जनेऊ जोड़ा स्वर्ण मुद्रा तिल आदि का दान करें। गोदान करके विसर्जन करें। इसके बाद गीत कीर्तन वाद्यादिक मंगल गान और उत्सव मनावें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें, यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दें। जो मनुष्य माघ मास स्नान करते हैं और माघ मास के इस महात्म को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें उपरोक्त रीति से उद्यापन भी अवश्य करना चाहिए। इस व्रत व उद्यापन से कुल के सात जन्मों के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख संतति एवं सौभाग्य प्राप्त होते हैं तथा सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। मिंट देख ली।